कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हो सकते हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश की है। सीजेआई की इस सिफारिश पर अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार देगी। हालांकि रंजन गोगोई का अगला चीफ जस्टिस बनना लगभग तय माना जा रहा है। सीजेआई की सिफारिश के बाद ये लगभग तय है कि जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर तक है। रंजन गोगोई उन्हें 4 जजों में शामिल हैं जिन्होंने जनवरी में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस रंजन गोगोई को अगला चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी है। आमतौर पर वरिष्ठतम जज को चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा रही है। हालांकि औपचारिक रूप से नाम भेजने का अधिकार सीजेआई के पास होता है। मौजूदा सीजेआई ने वरिष्ठतम जज के नाम की सिफारिश भेजकर परंपरा का पालन किया है। दरअसल जनवरी में हुई 4 जजों की चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस गोगोई भी शामिल थे। ऐसे में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उनका नाम भेजा जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का आधिकारिक आदेश सरकार की सलाह के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएचबीसी न्यूज़।